बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम बात करने वाले हैं आज फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक अहम टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम समझेंगे। आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, किस आर्टिकल के तहत आता है, किस पार्ट के तहत आता है, आखिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, तो हम जानेंगे इस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़। गाइज, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, गाइज आज हम इस वीडियो में पूरी जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से आया और क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, आखिर वो क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। ये किसकी ड्यूटीज़ हैं? सिटीजनों की ड्यूटी है। अब हम बात करें, इन 1976 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। इन 1976 42nd अमेंडमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने वाले थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब पास हुआ और किस अमेंडमेंट के तहत हुआ। तो आप डेफिनेटली, आपको याद रखना है, आपको ज़रूरी उसको किसी जगह पे आप लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि 1976 एंड 42nd अमेंडमेंट के तहत जो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अमेंडमेंट किया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इंसर्टेड, हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंसर्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे बड़ा सवाल बन रहा है, यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट हुआ, यहाँ पे बड़ा सा सवाल है, हाउ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। बड़ा सा सवाल है। मैंने पहले इसी बताया कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के हम डिफरेंस करेंगे, हम निकालेंगे आखिर फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा है, अब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या, इनकी दोनों इनके बीच में क्या रिश्ता है या उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बुनियादी हक दे रहे हैं, आपको बुनियादी उसूल हक दे रहा है, चाहे इक्वलिटी की बात करें, चाहे फ्रीडम की बात, ये आपको बुनियादी हक दे रहा है, चाहे आप रेस्पेक्ट करो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप फॉलो करो या ना करो, फिर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स दे रहा है। कंसेप्ट क्लियर रखना, कंसेप्ट ये याद रखना, फंडामेंटल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन अपने बुनियादी हक दे रहे हैं, आपको बुनियादी हकूक दे रहे हैं, चाहे फ्रीडम हो चाहे इक्वलिटी हो, बट अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन का दिल बड़ा है, वो आपको दे रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई आप पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आप पे कोई पनिशमेंट नहीं लगेगा, आप पे कोई थ्रेट नहीं होगा, ये आपका सोच है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप करें या ना करें, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स दे रही हैं, फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल बुनियादी हक दे रहे हैं। ये डिफरेंस रही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और नॉन जस्टिफेबल द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर इन्फोर्समेंट। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे, आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहे, क्योंकि आप पे कोई जो इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे, क्या आप रेस्पेक्ट कर रहे हो फंडामेंटल राइट्स को या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, क्या आप फॉलो कर रहे हो, क्या उनकी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आप उन पर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आप पे कोई फोर्स नहीं किया गया, आप पे कोई जो दबाव, कोई इन्फोर्समेंट, कोई आप पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ये आपकी सोच है, ये आपका हक है, फिर भी आप पे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा, हमने थोड़ा सा कंसेप्ट जान लिया, आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने जाना। अब हम फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं किसके पार्ट के तहत है, तो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम बात करें, पार्ट फोर्थ के तहत आता है, पार्ट फोर्थ ए के तहत आता है, यहाँ पे बड़ा सवाल है, और आर्टिकल 51 के तहत आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़।
ड्यूटीज हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल बन रहा है, आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो बेसिक सा सवाल है, क्योंकि आ सकता है भी एग्जाम में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है। जो अब हम बात करें तो पहले 10 फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थे पहले, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। अब हम बात करें, अब हम 11 जो इसको ऐड किया था, एक और ऐड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज, वो कब ऐड किया गया है, किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया? तो उस अमेंडमेंट 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया वो 86 अमेंडमेंट के तहत, और एक्ट 2002 में, और 86 अमेंडमेंट इन 2002 में उसको ऐड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उनको पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सावरन सिंह कमेटी के तहत आता है, उसका जो हेड है सावरन सिंह कमेटी है। तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज है, थोड़ा सा हमने पढ़ा था कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल आखिर कौन से कितने, हमने पढ़ा था 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, अब पढ़ेंगे आखिर कौन कौन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंक्लूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि हमें पता होना चाहिए आखिर वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये था गाइज फंडामेंटल ड्यूटीज। गाइज आपसे फिर भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।